क्या भाई, क्या भाई? हे गाइस, वेलकम टू द रिसर्चिंग ब्लॉग चैनल। आज हम आए हैं बिल्कुल नए ब्लॉग के साथ, नए एपिसोड के साथ। और आज हम लोग जा रहे हैं बनारस ऐसे ही घूमने, फिर बनारस से हम लोग आगे जाएंगे, आपको वो भी दिखाएंगे। और हमारे साथ हमारी ये दो साथी हैं, इधर देखिए, तो ये प्रियांशु तिवारी है, पीछे ये हर्षित। और हम लोग इस एपिसोड में आज का नॉर्मल दिन बस ऐसे ही आपको दिखाएंगे, क्या क्या करते हैं हम लोग डेली लाइफ में। चश्मा भी पहन लिया नया नया हम लोग। हाजी, हम चश्मा पहन दिखा दो। तीन लोग हैं, थ्री इडियट, तीनों चश्मा पहन लिए हैं। और लोग अभी तिल डलवा रहे हैं, तिल डलाने के बाद हम निकलेंगे यहाँ से। यहाँ पे पहुंच गए, अभी हाईवे पे, एक्सप्रेस हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे अभी जा रहे हम लोग बनारस। और बनारस में काफी फेमस एक बाटी चौका का रेस्टोरेंट है, वो एकदम पूरा ट्रेडिशनल टाइप का बनाया है अंदर से पूरा, हम आपको दिखाएंगे अभी। तो हम पहले बाटी चौका खाएंगे, उसके बाद हम उसके आगे जाएंगे जहाँ भी जाना होगा। तो देखिए कितना खूबसूरत रोड है अभी। अभी हम लोग इस रोड पे ही जा रहे हैं, जो कि लेफ्ट वाली लेन में पूरा सावन कांवड़िया वाले के लिए योगी जी बंद किए हैं बाबा महाराज। तो अभी हम इधर ही जाएंगे सीधे ही, और आगे बनारस में एंट्री लेंगे, उसके बाद आपको हम दिखाएंगे। बनारस में वैसे तो काफ़ी ट्रैफिक रहती है, लेकिन देखते हैं अपने पास है। चलो बेटा साइड हटो, पापा जा रहे हैं। अरे यहाँ काफ़ी ट्रैफिक में हम लोग फंस गए हैं, मेरे साथ जो साथी हैं उन लोग को काफ़ी भूख भी लगा है। अरे तुम गाड़ी, क्योंकि लोग ये समझ गए हैं कि बाटी चौका खाना है, तो लोग सुबह से खाना ही नहीं खाए हैं और पानी भी नहीं पिए हैं। खाना का तो आप बात छोड़ दीजिए। क्या भाई, सब बढ़िया? एक से एक आपको चूती मिलेंगे रास्ते में, रुक जाइए मैडम, हम लोग बस पहुंचने वाले हैं 5-7 मिनट में। काफी जोरों की भूख लगी है। वाराणसी का, ये देखिए बगल में मेरे स्टेशन है वाराणसी का। सब अंधे कानून की तरह चले जाते हैं साले। आगे का दिखाते हैं आपको। यहाँ पे उतर चुके हैं बाटी चौका रेस्टोरेंट में। मेरे पीछे देखिए एक ये सेंटर, ये है मेरे पीछे, और एक ये है, और एक ये है, ये एंट्री गेट है दूसरे वाले का। हम अभी यहीं जाएंगे खाने, आप बाकी आपको अंदर का दिखाएंगे। और सब बढ़िया? देखिए हाँ, देसी तरीके से बन रहा है, बनता है यहाँ पे, सब हैंडमेड है, सब एकदम देसी तरीके से। देखिए ट्रेडिशनल स्टाइल है, एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल। आप चाहें तो यहाँ बैठ के भी खा सकते हैं, खाट लगी हुई है। खाने के बाद हम यहीं आराम करेंगे, क्यों है ना? कितना खूबसूरत है, आप चाहिए तो यहाँ भी आप बैठ के खा सकते हैं प्रॉपर तरीके से। आप चाहिए यहाँ का, और उधर अंदर खाए जाए, अंदर उसमें 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 उसमें, अरे उसमें अच्छा लगेगा खाने में। प्रोफेशनल दम स्टाइल में आपको यहाँ पे खाना रहेगा, सब सर्व करेंगे। सब कौन सा मंगाए हैं सर? स्पेशल बाटी चौका, स्पेशल सबसे बढ़िया वाला है क्या? आयोजनिक तरफ से पार्टी है, देखिए ये तो सही से खा नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग अच्छे से खाएंगे है ना। खा के यहीं पीछे खटिया लगी हुई, आराम से तान के सो आ जाए। हम यहाँ पे खाना खा चुके हैं, और खाना खाने के बाद अभी हम यहाँ देखिए खटी प्लेटें में, ये कुछ ज़्यादा ही खा लिए हैं। पैसा लगेंगे तो पूरा तो खाएंगे, वो भी दूसरे का पैसा लगे तो और भरपूर खाना चाहिए। कहते हैं कि फ्री का दाना और चाय भी खाना, वही हम लोग किए थे। यहाँ पे आराम कर रहे हैं अभी, यहाँ से आराम करने के बाद हम जाएंगे एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे आ रहा है मेरा भांजा, उसको लेंगे, उसके बाद जाएंगे घर। बहुत मज़ा आता है ऐसे खा के, ऐसे आराम करते हैं। निःशुल्क 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 भोजन करके देखिए लेटे होंगे।
फ्री का खा लिए हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। और फ्री का अब भी कभी खाइए आपको बहुत आनंद आएगा। और फ्री का ज़्यादा भी खा लेंगे, पैसा लगेगा तो कम खाएंगे, लेकिन फ्री का यहाँ तक गली तक खा लिए। अजीक अद्दू आ गए एयरपोर्ट पे और मेरा भांजा भी आ रहा है अधिक, शायद उसकी लैंड हो गई है, आ रहा है, बस उसी का इंतजार है। और ये आ गया अधिक। अधिक इधर देखो। अद्दू क्या हो भाई, मामा घर आए हो ना? हाँ मामा घर आए हो ना भाई? हाँ भाई ये खोलो। क्या भाई हंस दो क्या है ये? अद्दू क्या है ये भाई? नहीं बोलो, तुम चश्मा उतारो पहले, चश्मा देख के और रोएगा। अले बेटा है अद्रिक इधर हुए, मतलब उनका तबीयत खराब है। अरे बोलता यार ही बोलने पे यार, नहीं पता नहीं का नहीं बोलना। मामा घर चल रहे हो क्या? अधिक करती आई चिड़िया। और हम ये घर पहुंच रहे हैं अपने, अधिक को ले लिए हैं और हमारा ब्लॉगिंग खत्म होता है आज का। हमारे को ड्राइवर है, देखिए इनको सिटी में गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है और ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी ये चला नहीं पाते, उसमें गियर रहता नहीं है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि गाड़ी ऑन है कि बंद है। गाड़ी खराब हो गई है, खराब हो गई है, 30 लाख की गाड़ी खराब हो जाएगी तुरंत। अरे बाय कर दो, बाय।
बाय कर दो, बाय कर दो भाई। मिलते हैं आप अगले ब्लॉग में, आप कैमरा मैन ऋषभ सिंह के साथ, ऋषभ सिंह ब्लॉग। ये आ गए अंतरीक्ष सिंह घर, घर आ गए अंतरीक्ष सिंह भाई, घर आ गए। आदू क्या भाई,